एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेक फॉर यू में। और आज हम फिर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको बता दें कि हम ऑनलाइन से रिलेटेड और सीएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जैसा कि हम मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हम आज आप लोगों को बताने वाले थे कि आप अपने सेंटर पे डायग्नोस्टिक सेंटर या और भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को कैसे हल कर सकते हैं और कैसे डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। तो सीएससी ने एक फॉर्म जारी किया है, उस फॉर्म को आपको फिल करिए और फिल करने के बाद आपके सेंटर पे डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए अप्रूवल फॉर्म अगर हो जाता है तो आपको कुछ मशीनें दी जाएंगी और आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे आप डायग्नोस्टिक सेंटर चला सके अपना। तो इससे अच्छी खासी कमाई होने वाली है। तो जैसा कि हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं, आप फॉर्म देख सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पंजीकरण फॉर्म, तो स्वास्थ्य सेवा पंजीकरण फॉर्म में आपको नेम फिल करना है, सीएससी आईडी जो आपकी ओएमटी आईडी है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है क्या आप आपके परिवार या कोई आपके रिश्तेदार स्थान के पास डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहा है, जिसे आप या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार से कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो हाँ आपको करना है, नहीं कर रहा तो नहीं करना है। इसमें इसलिए पूछा जा रहा है, अगर आपके रिश्तेदार या आपके परिवार से कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहा है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इससे काम कर सकते हैं, वो तो यही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यदि हाँ तो उस डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम दें जहाँ काम कर रहा है, उसका पता दें कि आप आपके परिवार या कोई रिश्तेदार अस्पताल में काम कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, अस्पताल आपको डॉक्टरी से रिलेटेड आपको जानकारी होगी तो तभी आप इसको चला पाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी इसमें चलाने में, तो इसलिए यहाँ पर जानकारी जैसे मांगते हैं आप, यदि कर रहा है तो उसका नाम दें और अस्पताल का पता दें। आपके स्थान से डायग्नोस्टिक सेंटर कितनी दूरी पर है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा हो तो आप 4 किलोमीटर भर सकते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में रेडियोलॉजी लैब्स, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए लीड जनरेटर के रूप में काम करने में रुचि रखते हैं? तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कई काम इन्होंने दिए हुए हैं। आप यहाँ पर रेडियोलॉजी लैब्स, एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआईआर जो बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए लीड जनरेटर के रूप में काम करने में रुचि रखते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद आपके को ट्रेनिंग दी जाएगी इनसे रिलेटेड। कुछ ट्रेनिंग देने के बाद आपके सेंटर पर ये सब जो इनसे रिलेटेड मशीनें वगैरह हैं वो आपके सेंटर पर लगा दी जाएंगी और आप इससे काम करना शुरू कर दें, तो इसमें बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिटी स्कैन कम से कम 5,000 रुपये लगते हैं सिटी स्कैन कराने में, तो इसमें आपको आपके पास से तो कोई खर्चा जाना नहीं है, आपको मशीनें लगवानी पड़ेगी, उसका कुछ खर्चा आपसे लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पर अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। हम पहले से फिल कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सीधा इस फॉर्म पर पहुंच सकते हैं। नहीं तो हम आपको दिखा दें, आप वैसे झूठ मानोगे तो हम आपको दिखा दें कि डीजी मेल पर मेल आया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, इसमें
मेल आया था न्यूज सीसी न्यूज लेटर 26 सितंबर को मेल आया था, इसी में इसके बारे में जानकारी दी थी। इसे आप खोलने के बाद आप अदर पे जाइए, अदर न्यूज इस पे जिस मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखी हुई है और यहाँ पे लिंक दी है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में सीधा दे देंगे, आप यहाँ से सीधा इस फॉर्म पर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।